कर्नाटक विधानसभा में हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल हो गया है। सोमवार को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया और फिर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल सोमवार को कर्नाटक का 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। इससे ठीक पहले सुवर्ण विधान सोधा में कक्ष के अंदर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागरी और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, दार्शनिक बसवेश्वर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों का अनावरण किया। इस दौरान सावरकर की तस्वीर का अनावरण भी किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा, ये कोई विरोध नहीं है, ये केवल हमारी मांग है कि सभी राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों की तस्वीरें विधानसभा हॉल में लगाई जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में बिना किसी चर्चा या परामर्श के एक तरफा फैसला लिया है और कुछ चित्रों को लगा दिया गया। मैं किसी की तस्वीर लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन सब से सरकार कानून और व्यवस्था जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को इस संबंध में लेटर भी लिखा। इसमें मांग की गई कि असेंबली हॉल में महर्षि वाल्मीकि, बसवेश्वर, कनकदास, बीआर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महापुरुषों की ही तस्वीरें लगाई जाएं। इधर कांग्रेस के विरोध के बाद सत्ताधारी भाजपा की ओर से भी पलटवार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है, अगर उनकी तस्वीर ना लगाई जाए तो क्या सदन में दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं? क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धारमैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? देयर प्रॉब्लम इज द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। स्वतंत्र वीर सावरकर एक अप्रतिम देशभक्त थे और अंदमान निकोबार के सेल्युलर जेल में इतने वर्ष तक रहना, एक दिन भी कांग्रेस के नेता नहीं रह सकते थे। और बार बार ये भी कहते हैं कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस में स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है। वो कांग्रेस आपका नहीं है जी, आप समझ लो, आपका ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, अभी नकली कांग्रेस है। सर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।